हेलो फ्रेंड, आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस, ऑल द हैप्पीनेस इन दिस स्पेशल एंड ओकेशन ऑफ 70th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, विच एंटायर इंडिया इज सेलिब्रेटिंग दिस 70th रिपब्लिक डे. ऑन दिस स्पेशल डे आई वुड शो यू द डिफरेंट वीडियो एंड डिफरेंट सीन ऑन माई यूट्यूब चैनल. तो दोस्तों, आप सभी को ये भारत, जैसे कि आपको पता है, पूरे भारत देश जो है अपना भारत पर्व जो 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को उत्तर उत्तर प्रगति के साथ साथ आपको सारे मनोकामना पूर्ण हो और आपके सारे जो देश और आपकी भी तरक्की हो और देश की तरक्की हो, इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आज आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको जो है एक बिल्कुल नया वीडियो, जो कि आपने अभी तक देखा नहीं होगा, ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. इस वीडियो के द्वारा मैं जो है आज इस रियासी ज़िले में कैसे हम लोगों ने इस गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया और आसपास के नज़ारे, साथ ही आपको एक ऐसे पहाड़ी दिखाऊंगा जो बिल्कुल आपको एक स्लीपिंग लेडी, जैसे सोती हुए जनानी यानी कि औरत के रूप में आपको देखेगा, जिसमें उनका नाक, मुंह और साथ में बाल छोड़े हुए ये नज़ारा आपको एक पहाड़ जो है आपको देखने को मिलेगा. साथ ही इसके बॉटम की ओर बहता हुआ चिनाब दरिया और साथ में जो है चिनाब का एक जो भीमगढ़ फोर्ट, जो भीमगढ़ जो दुर्ग है, जो किला है, जो यहाँ का पहले का राजा हरि सिंह उनके जो है पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था, इसका नज़ारा और आसपास का नज़ारा, साथ ही रियासी का भी एक नज़ारा आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा. तो कृपया यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. वीडियो के द्वारा मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये है स्लीपिंग लेडी माउंटेन. जैसे आपको दूर से दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें ऐसा लग रहा है कि एक लेडीज है जो सो रही है, पीछे अपने बाल को जो है बाल फैलाए हुए और बीच में नाक और मुंह आपको और बीच में गला के हिस्सा जो है क्लियर दिखता हुआ. जबकि ये माउंटेन जो है लेडी माउंटेन के नाम से जाना जाता है, इसको दूर दराज के लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है और टूरिस्ट को इसके बारे में पता नहीं है. तो ये पड़ता है रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत और ये है सलाल पावर का जो है रेजिडेंशियल एरिया ज्योतिपुरम, और ज्योतिपुरम का एक गार्डन है. यहाँ पे जो है रामलीला का मंचन किया जाता है और ऊपर के जो आपको ये छोटे छोटे घर क्वार्टर्स देख रहे हैं, ये इनके रेजिडेंशियल क्वार्टर है और उसके आसपास की पहाड़ियाँ और ऊपर आप आकाश की तरफ देख रहे हैं, बीच बीच में जो है बादल दिखता हुआ. कहीं ना कहीं अभी तो 2-3 दिन फिलहाल कोई बारिश होने के आसार नहीं. मौसम विभाग के द्वारा फर्दर नेक्स्ट आने वाले जो गुरुवार के दिन में फिर पुनः बारिश और हिमपात का जो है प्रिडिक्शन किया गया. तो दोस्तों, मैं अभी इस फोर्ट किले में पहुंच चुका हूं. आप देख सकते हैं ये किला, ब्यूटीफुल किले का ब्यूटीफुल नज़ारा, एंड यू कैन सी द आउटसाइड प्रोटेक्शन ऑफ दिस ब्यूटीफुल भीमगढ़ फोर्ट. सो आई विल जस्ट नाउ एंटर इनसाइड द फोर्ट. So just now I have entered inside this fort. You can see how tall the wall of this fort, and this is the beautiful scene of this Bhimgarh fort. जैसा कि आपको पता था कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है भारत में इंडिया में विलय होने से पहले जब यहाँ का राजा हुआ करते थे, तो उनके द्वारा बनाया गया ये भीमगढ़ फोर्ट है. एक किला है, ब्यूटीफुल किला, काफ़ी पुराना है. तो जो इसके मालिक जो हुआ करते थे, इधर के पहले महाराजा हुआ करते थे. तो ये है भीमगढ़ फोर्ट. नाउ आई विल तो आप देख रहे हैं इस भीमगढ़ फोर्ट का जो है सुंदर नज़ारा है. ये किला जो है कितना बड़ा है. जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ के पहले जो राजा हुआ करते थे, जो राजा हरि सिंह उनके पूर्वजों के द्वारा जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस किले का, इस फोर्ट का निर्माण किया था. जो आज जो है आप देख सकते हैं इसके वॉल, यू कैन सी द वॉल कंडीशन ऑफ दिस वॉल.
of this beautiful Bhimgad fort. So this is the scenario. So this is one of the topmost tourism spot of this Riyasi district. अभी आप देख पा रहे हैं भीमगढ़ फोर्ट, देखिए टॉप की ओर कैसा दिखता है। नाउ आई एम ऑन द टॉप रूफ ऑफ दिस भीमगढ़ फोर्ट, सो यू कैन सी सम ऑफ द गाइस were walking on the top of this Bhimgad fort. इस किले के टॉप से आपको बाहर रियासी का नज़ारा दिखता हुआ और काफ़ी दूर से एक नदी बहती हुई आपको दिखाई दे रहे है। यह है फोर्ट के दूसरे वॉल से जो है रियासी का नज़ारा दिखता हुआ। यू कैन सी